Good morning, students. Again, I'm going to continue your chapter. We are not afraid to die. Here, page number 15, last four lines. By morning on January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in the rotation. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on the checking, I found that nearly all the boats. Main ribs frames were smashed down to the keel. In fact, there was nothing holding up a whole section of a starboard hull except a few cupboard partitions. अब उन्होंने जब सब मेहनत की कैनवस या वाटरप्रूफ कप क्लॉथ से इनसे सबसे प्रयास करके उन्होंने जितने भी होल्स थे उसे फिल करने की कोशिश की और उन्होंने कुछ हद तक कर भी दिया. अब मॉर्निंग में 2 जनवरी की नाइट उन्होंने ये सब किया था. फिर मॉर्निंग जब 3 जनवरी की मॉर्निंग जब हुई तब उन्होंने देखा कि लोग सब जन ने बहुत सारी चीज़ें पंप्स वाटर लेवल्स को सफिशेंटली कंट्रोल कर दिया है पंप कर. अब सब ने रूटीन में क्या करा, 2-2 घंटे का रेस्ट लेने का निश्चय किया. फिर भी उनको पता था कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लीकेज भी हैं स्टिल उस बोर्ड पर जो उन्हें फिलअप करने हैं. वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट. 15 घंटे तक वो वहाँ पर सर्वाइव कर चुके थे जब से वो उस वेव ने उन्हें तबाही मचा दी थी उस शिप पर. बट वेव वॉकर कुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. अब उन्हें लग रहा था शायद वेव वॉकर अब इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचाने के लिए. आई चेक्ड अवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 small islands अ फ्यू 100 kilometers टू द ईस्ट. वन ऑफ देम एल एमस्ट्रॉन वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट बेस. Our only hope for to reach the pin pricks in the vast ocean, but unless the wind and the sea abated, so we could hoist sail, our chance would be slim indeed. The great wave had put our luxurious engine out of action. अब क्या हुआ, उन्हें एक ही मात्र होप था कि यार उन्होंने जब कैलकुलेट किया चार्ट्स वगैरह से इनसे उन्हें लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो जाना तो इम्पॉसिबल है शायद उनके लिए. मगर उन्होंने देखा कोई आइलैंड्स वहाँ पर आइल एमस्ट्रेन वॉज अ फ्रेंच साइंटिस्ट बेस वहाँ पर, तो होप था कि वहाँ पर उस वास्ट ओशन के वहाँ पहुँच जाएँ. मगर कम चांस थे क्योंकि बहुत ही कम पिन पॉइंट चांस थे कि वहाँ तक उन्हें कुछ ऐसा साधन मिल जाए कि वो पहुँच जाएँ. मगर क्या हुआ, ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. वी वुड नॉट सी एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शंस ऑफ द हल अपार्ट. सो ही हॉइस्टेड द स्ट्रॉम जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वेयर. मेरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट फॉर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 डेज. बट आवर रेस्पाइट was short lived. At 4 p.m. back clouds began building up behind us. Within the hour the wind was back to 40 knots and the sea were getting higher. The weather continued to deteriorate throughout the night and by dawn on Jan 5 our situation was again desperate. Ab 4 january ko unko 36 hours ho gaye the pani ko pump karte hue us ship mein se bahar aur last few centimeters और बच्चे तो बहुत पानी पंप करते करते वो थक चुके थे. अब उनके पास क्या था, ही हैड ओनली टू कीप स्पीस वाटर स्टिल कमिंग इन. फिर भी पानी अंदर आए जा रहा था. वी कुड नॉट सी एनी सेल ऑफ द मेन मास्ट. कहीं भी लैंड करने का उन्हें नहीं दिख रहा था. प्रेशर बढ़ता जा रहा था, डैमेज सेक्शंस और ज़्यादा हो रहे थे. स्ट्रॉम जिप्स हेडेड सब थे. 2 आइलैंड्स वेर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वेर हेडेड फॉर वेर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वेर स्ट्रॉम जिप एंड हेडेड फॉर जो 2 आइलैंड जिनके बारे में सोच रहे थे शायद वो पास आने वाले, ऐसा उन्हें लग रहा था. इतने में मैरी ने कुछ खाने के लिए उन्हें ला के दे दिया, कुछ क्रैकर बिस्किट्स और बीफ. वो 2 दिनों के बाद शायद वो थोड़ा सा मील उन्होंने वहाँ पर खाया था. मगर अब क्या हुआ, तुरंत वापस छोटा सा वो ब्रेक था उनका, मगर 4 बजे के करीब वापस काले बादल छा गए और वापस वेदर बहुत ख़राब होने लगा और बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन होने लगी. अगले दिन सुबह तक तो बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो गई थी. व्हेन आई वेंट टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई. अब वो बच्चों को जाकर थोड़ा सा सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे. उतने में उनका जो बेटा है जॉन, उसने पूछा कि क्या हम मरने वाले हैं. आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट बट डैडी वी वॉन्ट नाउ. ही वेंट ऑन, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर यू एंड मम्मी सू एंड आई. अब
पापा उन्हें कंफर्ट कर रहे थे, फिर भी वो बच्चा वापस पूछ रहा था। बट डैडी वी वेंट ऑन, बोलते जा रहा था कि हमें मरने से कोई डर नहीं है, वी आरंट अफ्राइड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता, हम अगर सब साथ हैं, वी आर ऑल टुगेदर, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग। ये कौन कह रहा है? जॉन अपने डैड से कह रहा है। कौन वी आर ऑल टुगेदर? जॉन, सू और उसके फादर और मदर। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद सच विच टू रेस्पॉन्ड, बट आई फेल्ट द चिल्ड्रंस कैबिन रिटर्न टू fit the sea with everything. I had to protect the weakened starboard side. I decided to heave to with the undamaged port hull facing the upcoming waves. Using an improved sea anchor of heavy nylon rope and 222 liter plastic barrels of paraffin. अब वो क्या कर रहे थे? सोच रहे थे कि शायद अपने बच्चे की उस जगह को वो थोड़ा सिक्योर कर लें, और इन सब चीज़ों से वो उसे सिक्योर करने वाले थे। जो हैवी लॉसेस बंद, हैवी होल्स वगैरह जो थे उसे वो बंद करने की कोशिश कर रहे थे। दैट इवनिंग मेरी एंड आई साइड टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। अब उस दिन शाम को मेरी और उनकी वाइफ और वो दोनों बैठे हुए थे शिप पर और बातें देख रहे थे, और देख रहे थे कि पानी का लेवल और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उन्हें एहसास हो रहा था कि अब कुछ ही समय उनके पास बचा है। बट वे वॉकर रोड आउट द स्ट्रॉम एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईस्टिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट बैक इन द चार्ट रूम। आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड चेंजेस ऑफ कोर्सेस ड्राफ्ट एंड करेंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशन। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वेर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 6 किलोमीटर वाइड आईलैंड। वाइल आई वॉज थिंकिंग सू मूविंग पेनफुली जॉइंट मी, द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज वेरी सोलन एंड हर बैक एंड आई नैरोड टू स्लिट्स। शी गेव मी अ कार्ड she had made. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message, "Oh, how I love you both." So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. अब जैसे उनको लग रहा था कि बहुत कम समय बचा है उनके पास, तो उतने में क्या हुआ, वेव वॉकर के ऊपर जो रोड स्ट्रॉम था वो रोड आउट द स्ट्रॉम, स्ट्रॉम से बाहर आ गए। बाय द मॉर्निंग जनवरी 6 द विंड ईस्टिंग आई ट्राइड टू गेट रीडिंग ऑन द, अब उन्हें कुछ रीडिंग्स वहाँ मीटर पर दिखने लगी और उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने देखा कि शायद वो 50,000 किलोमीटर्स उस ओशन से लुकिंग 65 किलोमीटर्स और दूर थे कुछ एक आइलैंड से, और वो सोचने लगे। इतने में उनके पास कौन आई? सू आई, जो बहुत ज़्यादा उसके हेड बम्प हो चुका था, आंखें सूज गई थी, और वो कुछ कार्ड बना कर लाई थी, कुछ ड्रॉ कर लाई थी उस पर, और कुछ मैसेज भी उसने लिखा था। क्या लिखा था? वो थैंक्स कर रही थी और कह रही थी सब कुछ अच्छा होगा। आई चेकड एंड री चेक्ड माई कैलकुलेशन, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर अ मैग्नेटिक वेरिएशन। आई मेड एन अलोवेंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ एन इन्फ्लुएंस ऑफ अ वेस्टरी करेंट्स विच फ्लोड थ्रू दिस पार्ट ऑफ एन इंडियन ओशन। अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन द डेक एंड आस्क्ड लेरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 degree। इफ वी आर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील वी वुड एक्सेप्ट टू सी द आईलैंड एट अबाउट 5 PM। अब उनका जो पुराना जो कंपास था वो खराब हो चुका था, नई वर्क कर रहा था, नया सप्लीमेंट जो उनके पास था उससे वो कैलकुलेशन कर रहे थे, वो देख रहे थे कुछ वर्कआउट हो जाए, उसमें मैग्नेटिक वेरिएशंस कुछ थे, मगर फिर भी उन्होंने कुछ एस्टिमेट लगाया और कुछ डायरेक्शंस उन्होंने निकाले। और फिर जाकर वो लेरी से कहते हैं कि तुम इतने डिग्रीज पे उसे टर्न करो, अगर हम लकी इनफ हुए, हम अगर फेयर हुए, हमारा नसीब अगर साथ दिया, तो हम शायद 5 बजे तक इस आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, क्लाइम्ब ऑन माय बंक एंड अमेजिंग डोज्ड ऑफ। व्हेन आई वोक इट वाज 6। अब वो डेस्क पे चले गए थे घबराते हुए, और तो इतने थोड़ी सी नींद लग गई, जैसे ही वो उठे 6 बज गई थी। एंड ग्रोइंग डार्क आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल ही हैड लेफ्ट ही कुडेंट होप टू हीट beat back into the Westery Islands. At the moment, tousled head appeared by my bunk. Can have a hug,
Donato asked. Sue was right behind him. Why I am getting a hug now? I asked. Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. Not today, John, I am afraid. Why you must be, said Sue, in the matter of fact voice. You found the island. What? I shouted. It's out there in front of us. They chorused, as big as the battleship. I rested on the deck and gazed with relief at the struck outline of the aid and student. It was only a bleak place of volcanic rock with little vegetation. The most beautiful island in the world. We anchored off. अब क्या हुआ? जैसे वो wake up हुए उन्हें ऐसा लगा घबरा गए थे वो narrator की यार अब शायद हम वो island miss कर चुके हैं. Time पास ज़्यादा हो चुका था और वो देख रहे थे. इतने उन्होंने क्या देखा कि उनके सामने जॉन आ गया था और वो हक करना चाहता था. वो कह रहा था इस समय तुम्हें हक करने की क्या ज़रूरत है. उसके पीछे सू भी खड़ी थी. उन्होंने कहा कि आप वर्ल्ड के बेस्ट डैड हो, आप ये डिज़र्व करते हो. उन्हें कहा कि नहीं अभी नहीं. तो उन्होंने कहा कि नहीं क्यों नहीं अभी आप ही थे जिसमें आपके कारण हमने आईलाइन फॉर्म कर लिया. उन्होंने कहा क्या, चिल्लाने लगे ज़ोर से और खुशी के मारे चिल्लाने लगे. उन्होंने कहा कि हम जीत गए हैं जान. और देखा तो वाकई में वहाँ पर वो आइलैंड था उनके सामने. डेक पे जाके जब देखा उन्होंने कि वो आइलैंड उनके सामने खड़ा था. वो वॉल्केनिक रॉक आइलैंड था. वहाँ पर लिटिल वेजिटेशन घास वगैरह थी. वो उस समय उनके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड वर्ल्ड का था. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर दैट नाइट. हम रात को वहाँ उतर गए. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर. With the land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought for a 7-year-old girl who did not want us to worry about the head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of a 6-year-old boy who was not afraid to डाई. अब जब वो पहुँचे तो बहुत खुश थे. रात उन्होंने वहीं बिताई और अगले दिन उन्होंने क्या करा, उस आइलैंड से वापस अपने शोर के तरफ बढ़े. अब उस दिन क्या उन्होंने क्या फील किया, अपने आप को लकीएस्ट व्यक्ति उन्होंने फील किया क्योंकि वो सब पॉजिटिव थे. उस कठिन परिस्थिति में भी उन लोगों ने अपने आप की पॉजिटिविटी नहीं छोड़ी, ऑप्टिमिस्टिक थे. उन्होंने सोचा कि हम कैसे ना कैसे उसे हर्डल्स को पार कर लेंगे. दोनों उनके क्रू मेंबर्स भी, लेरी और हर्बी भी बहुत ही मोटिवेशनल थे, चेयरफुल थे, ऑप्टिमिस्ट थे. उस इतने खतरनाक सिचुएशन में भी उनके अंदर वो गंभीर तनाव में भी वो प्रयास करते रहे निरंतर. और उनकी वाइफ भी उस व्हील पर कंटिन्यूसली उतने कड़ी कठिन समयों में भी वो खड़ी थी उनके साथ, बिल्कुल भी बिना डरे. और उनके जो दोनों बच्चे थे, उन लोगों ने 7 साल की जो उनकी डॉटर थी सुई, जिसको अपनी इंजरी की भी कोई परवाह नहीं थी, उस इंजरी ने शायद उनके 6 माइनर ऑपरेशन करने पड़े उस इंजरी को रिकवर करने के लिए, क्योंकि ब्लड क्लॉट उसके उस इंजरी में हो चुका था. और उसका जो बेटा था जॉन, 6-year-old बॉय जो था, उसने भी अपना जोश नहीं खोया. वो भी डरने से, मौत से नहीं डरा. वो भी उसने भी इतना होप किया, फादर को इतना पॉजिटिव रखा कि हम डरने से मरने से नहीं डरते अगर हम सब साथ हैं तो. तो यही मोटिवेशन स्पिरिट चाहिए. इफ़ वी हैव दो वी आर इन वेरी बैड कंडीशन, इफ़ वी हैव पॉजिटिविटी, इफ़ वी आर ऑल टुगेदर, वी कैन ओवरकम ऑल द डिफिकल्ट सिचुएशंस इन आवर लाइफ. ये स्टोरी का मेन थीम है. थैंक यू.